सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैदान में किसानों के सम्मान में कांग्रेस की है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है, डीएपी खाद दे न सके जो वो आप रोजाना देख रहे हैं कि किसान कितना परेशान है, खाद नहीं मिल पा रही उसको। इधर बरसात के मौसम ने किसान की वैसे भी इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, धान की कटाई और धान में नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जब आलू की बुवाई चल रही है और सरसों की बुवाई चल रही है, चना की बुवाई चल रही है, ये समय है बुवाई का, और उस समय अगर किसान को खाद नहीं मिल पा रही है तो ये दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने जाकर के डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि खाद जो किसानों को नहीं मिल रही है उसकी उपलब्धता कराएं आप, और अगर नहीं करा पा रही हैं तो हम निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन दे करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं हो रही है, 8 दिन हो गए आते आते। कितनी खाद की जरूरत थी आपको, कितनी उपलब्ध हो पाई है? अरे कोई नहीं, 5 बोरी खाद मिली है। एक आधार कार्ड पे 3 बोरी देते हैं, लाइन में लग जाते हैं सुबह आके, 3 बोरी देने के बाद ये कह रहे थे खाद है ही नहीं। क्या आपको मिली खाद? नहीं मिली खाद लेने आए, कल आए, परसों आए, 2-3 दिन हो गए, रोज चक्कर लगा रहे, खाद नहीं मिलती है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कह रहे थे कल मिलेगी। हम यहाँ लगभग 1 हफ्ता हो गया आते आते, हमें अभी तक कोई खाद नहीं मिली, कोई खाद नहीं मिली यहाँ पे। ये देते नहीं, ये कह देते हैं यहाँ से चले जाओ, बाद में मिलेगी खाद, अभी आज का फुल असिस्ट, ये कह देते हैं। इसमें पहले यहाँ भंडारण व्यवस्था थी जो सरकार की तरफ से की जाती थी, उस भंडारण व्यवस्था में थोड़ी सी कमी रही है कि वो पर्याप्त मात्रा में जो है स्टॉक नहीं रखा जा सका है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना सुनने में आ रहा है। लोग जो है आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो सरकार ये भी चाहती है कि जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत जो रिकमेंडेड है डोज है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरह के समझाना है कि भाई जो है ये बहुत महंगे आइटम है और अपनी जो है कृषि लागत को कम करिए, और अनावश्यक रूप से जो है अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये कृषि विभाग हमेशा चलाता रहता है, इसको भी चलाता रहता है, समझाया जाता है, लेकिन अब जो है और भी नई तकनीकी आ गई हैं। अब यूरिया डीएपी के जो है अब जो है बोटल्स में आ गई हैं, नैनो के रूप में आ गई हैं, कुछ दिन में ये जो है ये भी बाज़ार में आ जाएगा। तो ये जो परंपरागत तरीके हैं इनको जो है किसानों को हट करके नई टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहिए, जिससे इनकी लागत भी कम होगी, रासायनिक जो है उर्वरकों में जो निर्भरता भी कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा इनका। कुछ किसान